This is Brand Max Network India, and you are watching News India Now. पिछली रात अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित थाना सुभानपुर के अधीन आते गांव अमीरा में नशा तस्कर हरजिंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह के घर एसटीएफ टीम रेड करने पहुंची थी। उनके घर में बैठे 20 से अधिक लोगों में दो महिलाओं ने एसटीएफ टीम पर हमला कर उनका 9 mm का पिस्टल छीनने के बाद टीम के 5 मुलाजिमों को बुरी तरह घायल कर वहां से 1 किलो नशे की खेप और 14 लाख के करीब ड्रग मनी हरजिंदर सिंह अपने एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गया था, जबकि अन्य साथी भी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए थे, जिसके बाद कपूरथला पुलिस ने घायल एसटीएफ टीम को सरकारी अस्पताल कपूरथला में इलाज के लिए दाखिल करवाया। महज 24 घंटे के भीतर ही 6 हमलावर नशा तस्करों को काबू करने में कपूरथला पुलिस ने सफलता हासिल की है। रिपोर्टर नरेश खोसला के साथ कैमरामैन साजन कुमार की न्यूज इंडिया नाउ के लिए रिपोर्ट। ये 4 साढ़े मुलाजम जोड़े जख्मी हुए थे, तो इस टाइम सिविल हॉस्पिटल कपूरथला के गए, तो जी पार्टी ने साड़ी रेड कर गई थी एस टी एफ की, उन्होंने जिन्होंने अटैक किया वो 6 बंदे जोड़े अरैसट कर ले, जिन्हों को एक पिस्टल जोड़ा खोह के मौके तो लैके साढ़े पुलिस मुलाजम का वो रिकवर किया है, तो ड्रग मनी 13,50,000 वो रिकवर की है, किलो जो एक नशीला पाउडर से सुट के भजे जो वो इसे रिकवर किया। जो हरजिंदर है ये ऑलरेडी पहले 3 NDPC मुकदमे दर्ज है, बेल से बाहर है, एक मुकदमा इस तो पहला 2 महीने पहला इन्हें एस टी एफ की ही टीम से हमला किया, अरैसट पै चुकी है, तो बेल से बाहर है। टोटल किन्ने नॉमीनेट किए गए? ये असं 18 बंदे नॉमीनेट किए हैं बाई नेम, तो ये 7-8 जोड़े है अननोन है। हूँ तक भी बरामदगी की है? इन्हों के असी एक तो पिस्टल जो 9 mm का सा रिकवर किया इन्होंने को, एक मोटरसाइकिल जो भज गए जो गए वो रिकवर किया, 13,50,000 रुपया, तो 1 किलो नशीला पाउडर। किनिया औरत शामिल? 2 औरतान ने, हरजिंदर की मदर है तो वाइफ है। हाँ जी, एक मामे ये जो क्यूज है, ये मामे भी है, मासी के मुंडे भी, भूआ के मुंडे भी है, ये आपसी रिश्तेदारी है। ये 18 जने तो बाई नेम ने, परिवार के मैंबर हो सकते, यार दोस्त भी हो सकते हैं, तो बाकी 8 बंदे अननोन है। साड़ी लेडी कॉन्स्टेबल थी ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.